So we will see some other activities for producing leadership skills in our children. And those could be acts of confidence, humility, joint effort, and arrangement of summer camp, and then joining a family, or then making some project. So a person becomes confident with time. As and when the situation comes, he learns to handle them, and once success gives him confidence. interaction. सबसे पहला इंटरेक्शन उनका अपनी माँ के साथ होता है कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो उसके इर्द गिर्द आते हैं दूध की बोतल के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ता है और इसी इंटरेक्शन से वो देखता है कि किस में क्या खूबी है कौन सी चीज़ हार्ड है कौन सी सॉफ्ट है कौन सी नुकसान दे रही है किसी का किस 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 चीज़ का फायदा है तो हमने ये देखना है कि जहाँ जहाँ कोई ऐसे एक्ट्स हैं जिससे उसको फायदा हो रहा है या जिससे वो किसी का फायदा कर रहा है तो वो उसकी डिक्शनरी बुक में एज ए सक्सेस शामिल होना चाहिए उसको पता चलना चाहिए कि ये मेरी अचीवमेंट है मैंने ये अच्छा काम किया है इसका मुझे भी फायदा है मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को फायदा है सो इनकरेज ए चाइल्ड टू हेल्प आउट विद एक्टिविटीज एट होम और हेल्पिंग अ नेबर आउट और इवन स्टार्ट हिज ओन क्लब और अ स्टॉल एट अ फेयर देखिए ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज है जैसे थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी हौसा अफजाई करनी बहुत ज़रूरी है हमारे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स थे हमारे उस्ताद थे आज वो छोटे सोचें तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बड़ी यूज़लेस सी लगती हैं जैसे कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं बाजार से ले आते हैं घर वालों को बेच रहे होते हैं या कुछ और इस तरह का कर रहे होते हैं लेकिन अब हैरत होती है कि हमारे बड़े कितने शौक़ से उनको ख़रीदा करते थे तो बात यही है बच्चे छोटे हैं उनकी दुनिया छोटी है और उनके ख्याल और तखीलात भी अभी महदूद हैं तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं कि इनकी आने वाली जिंदगी में इनके लिए अच्छी है उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए और उनको बकअप किया जाना चाहिए कि भाई ये आप जरूर करें और उनको बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली अपनी कोई चीज खुद से बनाएं जैसे छोटे बच्चे छोटे छोटे कार्ड बना लेते हैं कुछ शेप्स बना लेते हैं आजकल बहुत आर्ट वर्क स्कूलों के अंदर सिखाया जाता है कोई स्टार्स हैं कोई नेचर का, का काम है कोई क्राफ्ट है रंगों से कोई तस्वीरें बन रही हैं कोई खिलौने बन रहे हैं छोटे छोटे टॉयज़ हैं वर्किंग मॉडल्स होते हैं छोटे चोट छोटे तो वो बच्चों को साथ उनके मिल के पहले बनाए जाएं और फिर जब वो इंडिपेंडेंटली उसको बनाएं तो वो उसको दूसरों से मुतारफ़ करएं ख्वाब वो उनको सेल आउट कर रहे हों या वो किसी तरह से दूसरे उनको देख के अप्रिशिएट कर रहे हों ये वो सारा सिलसिला है जिसमें बच्चे के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होती है उसे लगता है कि मैंने वाकई कोई काम किया है कोई बड़ा काम किया है जैसे अगर आप उसके चेहरे के लिए एक मास्क उस, उससे बनवा लें और फिर उसके बाद वो मास्क वो लगाए और फिर आप उसको बताएं कि अब आप कौन सा करेक्टर बन गए हैं और वो करेक्टर क्या करता है तो आप देखेंगे कि बच्चा उससे कितना एक्साइटेड और हैप्पी है सो ऑलवेज एक्सपोज अ चाइल्ड टू अ पोटेंशियल लीडरशिप सिचुएशन देखिए अगर आपको अपने बच्चों के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है तो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे हम खुद ताकि उसके अंदर पावर ऑफ डिसीशन जो है वो पैदा हो सके मसलन हम उस बच्चे को कह सकते हैं किसी स्किट में कि ये एक बच्चा बीमार है या एक बच्चा जो है वो दूसरे को मार रहा है आप क्या करेंगे अब वो बच्चा जाएगा जो मार रहा है या दूसरे पे ज्यादा कर रहा है उसको रोकेगा और जिसको चोट लगी है या जो ये बता रहा है कि मुझे मेरे पे ज़्यादा हुई है तो उसको आ, उसकी मदद करेगा उसको एक तरफ ले जाएगा इससे उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान पैदा होगी तो आपने उनको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देने हैं खा वो स्टोरीज में हो समाइम्स हम स्टोरी सुना के और उनके एंड पे रुक जाते हैं कि अच्छा अब आगे फर्दर क्या होने वाला है क्या होगा आपके ख्याल में क्या होगा तो बच्चे उसमें से ही नतजरेट है, करते हैं और बड़े थाटफुल जनरेट करते हैं यू नीड टू एन्फोर्स देम कि हाँ ये आपने अच्छा बताया है और यहाँ इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में इस तरह से नहीं होता तो हम उनको सही वाले जो थाट्स हैं उसकी तरफ ला सकते हैं

लेकिन दर हकीक़त अगर यही एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ जो समर वेकेशनस हैं उनके अंदर वालदे मिलकर बच्चों के साथ करें और उनको नई नई चीज़ों से मुतारफ़ करवाएँ कुछ नया एक्सपोजर करवाएँ कुछ नई जगह दिखाएँ ख़ास तौर पर वो जगह जो नेचर से या कोई टेक्निकल जहाँ पर प्रोसेस चल रहे होते हैं या कुछ इंडस्ट्री एरिया की उनको कोई वो दिखाया जाए जैसे छोटे बच्चे होते हैं जी टॉफ़ी कैसे बनती है या बिस्किट कैसे बनता है या नेचर में उनको ले जाएँ कि जंगल के अंदर कौन कौन से बर्ड्स होते हैं और कौन कौन से बग्स होते हैं वो किस तरह के कीड़े मकौड़े हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे एक्सपोयर्स जो हैं वो उनको नेचर को समझने में मदद देते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होती हैं सो दिस इंस्टिल्स लीडरशिप क्वालिटीज़ अब देखिए मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि अगर मैंने मेरा एक्सपोयर ज़्यादा है ज़्यादा चीज़ों से मेरा तारुफ है तो एक तो मेरी वकेबलरी बढ़ जाएगी मैं ज़्यादा लोगों से मिलूँगी तो मुझे ये समझ आएगी कि कौन सा इंसान किस तरह का हो सकता है कोई वॉम है कोई खिंचे हुए हैं किसी से आपको खुद बात करना पड़ती है तो बच्चे जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे शेक हैंड करेंगे ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे तो एक तो उनका जो अनजाना खौफ है अजनबियों के बारे में वो ख़त्म होगा उनकी सोशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी और फिर किस तरह से लोगों के साथ डील करना है ये वो बेहतर तौर पर जान पाएंगे और कुछ एनवायरनमेंट से जो उनके बिला वजह के खौफ हैं वो दूर किए जा सकते हैं जैसे अगर आप उनको रिवर साइड पे या कहीं भी वाटर लेक पे लेके जाते हैं तो कुछ असूलों को बताने के बाद उनको मौका दें कि वो अच्छे तरीके से उससे खेल सकें जैसे बोट में किस तरह से जाना है आपने सेफ़ मैर्स किस तरह से लेने हैं और फिर उसके बाद वो बोट को चला सकते हों या वो इस तरह की और एक्टिविटीज़ कर सकते हों जो सेफ़ तो हों लेकिन वो नॉलेजेबल भी हों तो इस तरह से हमारी कोशिश ये होगी हम घर और स्कूल और माशरा मिलके बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स जो है वो पैदा करें